बनाऊंगी सूरज बुरकली बना दी बेटा बुरकली। सब तो बोलो बुरकली बना दी। मतलब सबको बोलो बुरकली बना दी। हेलो गुड इवनिंग, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और ये देखिए जी, होली से पहले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये होली वाले दिन चाहिएंगी, जब होली का दहन होगा तो पूजा के लिए चाहिएंगे। हमारे कुनबा इतना बड़ा था, पूरी छत ते भर जा करते। क्या था? सारे जने माला लेकर जा करते? सारे लेकर जा करते, पूरा कुनबा था हमारा। अच्छा, दो पान बना दो और पान बनाओ। करो आप पान करो। यो तो एक ना बालक से खेल नहीं करे थे, वो गोबर गेली विनु का नहीं करे थे, वो दिखाओ इनमें भी टेक्निक चल रहे हैं। वो तो माटी में ये ना सही उठ जाऊंगे, है ना, कुछ नीचे गिरने की जरूरत ना है। सही बन गए तो चोखे सारे, है ना। वो बुरकली सही ना लगी तेरी? अच्छा, सही क्यों ना लगी? देखियो कितनी बढ़िया गोल गोल बन रही है। बढ़िया तो मेरी ये है, आपकी तो अजीब सी है, कोको ही ऐसी सही है। आप वाली सही है? हाँ, अपनी चीज सब ने बढ़िया लग गया ही करे है। अपनी लैसी ने खाटी कौन बता करे, बताओ भला। ये तो तोड़िए सूख जाएंगी, इतनी तेज धूप रही कई दिन रह रहे फिर बे। तो कई दिन में सूख जाएंगी। सही। यो माम, फिर एक बात बताओ, हमने दो चाहिए तो एक सूरज सा और बना दो ना। सूरज यो जो गोल गोल बना रखे। अब इबे एक तो आपका हो गया, इब दोनों बालका की माला चाहिएगी। चांद सूरज को से गाल लिए। यो वाला सूरज आपने घना बड़ा नहीं बना दिया, थोड़ा छोटा कर दो, क्योंकि ज्यादा तो छोटे बालका का ही होया करे, है ना, कोई छोटे बच्चे की जाया करे ना। बाप के तो बड़े हो रहे हैं, फिर भी ले तो जाना है। हाँ ले जाइयो, हम कौन सा मना कर रहे हैं। ले तो चोखे बना दिया, अब ये मेरे आड़े उधेड़ दिए क्या अटकन है। हाय चले पैड गया आप तो ये के इनमें को डोरा सा काट हो गया, पर जुकर में बूंद नहीं लिखड़िया कर रहे हैं, वो कर दिया है तो आपने। आजो चला बन गए पतेरे। ले भाई तेरी दादी तो मेडल देना पड़ेगा इनते ही, तो कसुते डिजाइन काट दिए इन पे। और ये देखिए जी, वो बुरकले बनाने के बाद मैं आ गई थी घर पे। आके मैंने पहले बालों में कंघी की और 10-15 मिनट के लिए फिर मैं लेट गई थी। और उसके बाद ये है अभी 4 बजे की क्लिप। तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाची और भी अंदर ही बैठे थे तो बड़े वाली चाची भी आए हुए थे, तो सभी के लिए चाय बनाई, चाय पी। तो फिर आज मुझे कपड़ों पे प्रेस करनी थी, मम्मी के 5-6 सूट रखे हुए थे क्योंकि सर्दियों के कपड़े सारे के सारे बांध के रख दिए हैं, पैक कर दिए थे वो आज मैंने सुबह ही। तो आज ये वाले कपड़े निकाले हैं, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा सिलवट ऐसी हो रखी थी कि एक एक दिन करके सभी कपड़ों पे प्रेस कर दूंगी। आज मैंने ज़्यादातर मम्मी के कपड़ों पे की है, तो एक दिन, एक दो दिन मेरे कपड़ों पे लग जाएगा और एक दो दिन आरव के पापा के कपड़ों पे लग जाएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना ये चीज़ ठीक थी, इतनी ज़्यादा प्रेस नहीं करनी होती थी कपड़ों पे, क्योंकि जर्सी जैकेट शॉल वगैरह चलती थी तो उसमें चल जाता था काम। पर अभी तो करने पड़ेगी, एक ये काम बढ़ गया है तो कपड़ों पे प्रेस होगी है। अपने कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए हैं और मम्मी के कपड़े लेके जाऊंगी अभी मैं नीचे। तो जब तक मैंने प्रेस वगैरह की थी तो तब तक मम्मी ने सब्जी काट के रख दी थी, तो अभी मुझे सब्जी छोकनी है और बच्चे खेल रहे हैं। सब्जी बनाऊंगी आज मैं, भिंडी की सब्जी बनानी है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि होली से पहले ये वाले जो बुरकले हैं किस किस के यहाँ पे बनते हैं, और हमारे यहाँ पे तो इनको बुरकले बोलते हैं, आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, कई जगह पे कंडे भी बोलते हैं इनको। और ये बताना मेरे अच्छे बने थे या चाची के अच्छे बने थे, तो पर चाची ने मेरे सारे के सारे दोबारा से बनाए थे, वो नहीं रहने दिए उन्होंने क्योंकि वो उनको ठीक नहीं लग रहे थे।
तो सही बताऊँ तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बनाए थे, क्योंकि पहले चाची ही दे देती थी बना के, और मेरे यहाँ पे मायके में ये वाली रिवाज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं होता ये सब कुछ, पर यहाँ पे होता है और अच्छा भी लगता है। कई हर जगह की रीति रिवाज अलग होती है। तो होली वाले दिन चाहिए होंगे ये, सुबह जब पूजा के लिए जाएंगे तब उस टाइम पे लेके जानी है, इनकी एक माला सी बनेगी तो बनाएंगे वो सूखने के बाद। तो ये देखिए जी, मैं अभी खाना डाल के दे दूँ आरव के पापा को, मैंने दे दिया है डाल के। और ये ना सुबह दोपहर सी के टाइम पे दाल बनवाई थी मम्मी ने, क्योंकि मम्मी की जाड़ में दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई तरी वाली सब्जी जरूर से ज़रूर बनानी होती है, नहीं फिर ढंग से खाना नहीं खाया जाता। तो अभी मैंने 2 से 3 मिर्च सेक ली है तवे के ऊपर ही, मुझे पहले ध्यान नहीं रही, तो मम्मी को चाहिए थी, तो मैं अभी साथ के साथ ही इनको अच्छे से फ्राई करके दे दूँगी। वैसे इनको पहले भी करके रख ले तो अच्छा है, पर आज मुझे ये ध्यान नहीं रही, क्योंकि मैं प्रेस वगैरह करने लगी, 1-2 एक्स्ट्रा काम और निकल आए थे, तो पता नहीं लगता टाइम कैसे निकल जाता है। भले ही अभी दिन थोड़े से बड़े बड़े से हो गया, पर फिर भी पता नहीं लगता कि एकदम से सुबह का काम निपटते ही तो शाम के काम का नंबर शुरू हो जाता है। तो ये देखिए जी, खाने पीने का काम सारा का सारा मेरा निपट गया है, मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, तो बस एक बार मैं किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सुबह फिर ऐसे ही साफ़ सुथरी किचन मिलेगी। और ये ज़रूर बताना किस किस ने ये जो बुरकले हैं, कंडे हैं, किस किस ने ये बना के रख लिए हैं। और भी मालाएँ बनेंगी, वो माला बनेंगी टॉफ़ी हैं, बिस्किट वगैरह हैं, उनकी बनेंगी, तो वो देखती हूँ, अगर मुझे टाइम लग गया तो मैं बना दूँगी, अगर टाइम नहीं लगा तो फिर मैं मम्मी शायद बाज़ार जाएंगी तो बनी बनाई लेके आ जाएंगी, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता बिल्कुल भी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है, क्योंकि होली दिवाली के पास तो क्लीनिंग का काम चलता है। तो ये देखिए जी, मैंने दही जमा दी है, और दही मैं इसी बॉक्स के अंदर जमाती हूँ, बहुत अच्छी जमती है इसके अंदर। तो काम वाम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रश। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।